भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के तीन कानून पर मारा हथौड़ा। भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लागू किए तीन नए कानून। जी हां दर्शकों, हम आपको आज ऐसे तीन कानून के बारे में बता रहे हैं जिसको आप जानते भी होंगे या नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते तो इस रिपोर्ट में हम आपको उन तीन कानून के बारे में बता रहे हैं। भारत देश में 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हो चुके हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खूब चर्चा का विषय बन गए हैं। आइए जानते हैं कि वो कानून क्या है। यह न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण। गृह मंत्री अमित शाह ने समझाया तीन नए कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीन नए कानूनों के बारे में समझाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि इसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। देश भर में सोमवार 1 जुलाई से लागू किए गए नए कानूनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर समझाया कि आखिर नए कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि यह न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, तीनों नए कानून मध्यरात्रि से काम कर रहे हैं। इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS आ चुकी है। सबसे पहले हमने इसमें संविधान की आत्मा के तहत दफाओं और चैप्टर की प्रायोरिटी तय की है। महिलाओं बच्चों को प्राथमिकता दी गई है, जो करने की जरूरत थी। राजद्रोह का केस किया खत्म। गृह मंत्री शाह ने कहा, मॉब लिंचिंग के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। नए कानून में मॉब लिंचिंग को समझाया गया। राजद्रोह ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। राजद्रोह को हमने खत्म कर दिया है। कानूनों में यह हुआ बदलाव। अमित शाह ने आगे कहा, अब भारतीय दंड संहिता IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS होगी। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA होगा। शर्मिंदगी से बचेगी अब महिलाएं। गृह मंत्री ने कहा, मेरा मानना है कि यह बहुत पहले किया जाना चाहिए था। 35 धाराओं और 13 प्रावधानों वाला एक पूरा अध्याय छोड़ा गया है। अब सामूहिक बलात्कार पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास होगा। नाबालिग से बलात्कार पर मृत्युदंड होगा। पहचान छिपाकर या झूठे वादे करके यौन शोषण के लिए एक अलग अपराध परिभाषित किया गया है। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों और उसके अपने परिवार को मौजूदगी में दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन FIR की सुविधा भी दी गई है। हमारा मानना है कि इस तरह से बहुत सी महिलाओं को शर्मिंदगी से बचाया जा सकता है।